और ये सिरसा की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस फोर्स को इस वक्त उतारा गया है सिरसा में। हालात तनावपूर्ण है, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से और जितनी बड़ी तादाद में पुलिस वहां बुलाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे सिरसा से। इस वक्त हालात तनावपूर्ण है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कल राम रहीम पर जो फैसला आया उसके बाद से लगातार वहां उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और इसमें भारी नुकसान हुआ था। सीधी तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, ताजा तस्वीरें इस वक्त की, हर इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और उनकी नजर है इस मामले में। लगातार कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जिस तरह से सख्त टिप्पणी की, कोर्ट ने यह भी कहा था, हाई कोर्ट ने कल ये भी कहा कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए राम रहीम की संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो डेरा मुख्यालय पहुंची है सेना और पुलिस के जवान पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना पहुंची है डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय, हरियाणा के इसी डेरे में 36 आश्रम खाली करा दिए गए हैं और वहां इस वक्त सेना पहुंची। जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे थे, जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था पुलिस और सेना के जवानों को, कल जब राम रहीम के भक्त जिस तरह से उपद्रव मचाते नजर आए, उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की, कई जगहों पर 31 मौतें हो गई थी। 1,00,000 समर्थक अब भी डेरा मुख्यालय में मौजूद हैं और सेना पहुंची है उन्हें बाहर निकालने के लिए, खाली कराने के लिए। पूरे सिरसा में जो डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है उसे खाली कराने के लिए इतनी बड़ी फोर्स की जरूरत पड़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो समर्थक है राम रहीम के वो कितने उग्र हो सकते हैं, इसकी आशंका बनी हुई है। और कल इसकी एक वानगी देखने को भी मिली। देखिए, पत्थरबाजी हुई है, पत्थर जहां तहां बिखरे पड़े हैं, पुलिस के जवानों पर, सेना पर पत्थरबाजी हुई थी, उसकी गवाही ये पत्थर अभी भी दे रहे हैं। डेरा मुख्यालय फिलहाल सेना पहुंची है और खाली कराया गया, 36 आश्रमों को खाली करा लिया गया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और देखिए पुलिस जवानों के हाथ में लाठियां हैं और हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो समर्थकों का जो आतंक है, जिस तरह से वो उपद्रव मचा रहे हैं, उस पर काबू पा लिया जाए और फिलहाल डेरा सच्चा सौदा को खाली करा लिया जाए। 1,00,000 समर्थक अभी भी मौजूद है, 36 आश्रम खाली करा लिए गए। कल जो आगजनी हुई उसकी भी तस्वीर अभी भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कल जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, कल जिस तरह से आगजनी हुई थी, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसकी भी तस्वीर। पूरा मैकेनिज्म था मौजूद सेना के पास, पुलिस के जवानों के पास, लेकिन उनकी भी कमी लगातार सामने आई और कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की। जिस तरह से पुलिस भागती रही, सेना के जवानों को पीछे हटना पड़ा, इसलिए उनकी भी कमियां सामने आई। ये देखिए, कल आगजनी हुई थी, उसके राख अभी तक जिंदा है और गवाही दे रहे हैं। जो कल हिंसा हुई थी, 31 लोगों की मौत हो गई, 31 जाने चली गई इस हिंसा में, इस उपद्रव में, अभी भी 1,00,000 समर्थक डेरा के अंदर मौजूद हैं। और ये वो अपील, राम रहीम जो कि फिलहाल जेल में है और सोमवार को उन पर फैसला आना है, उनकी ये अपील। लेकिन ये अपील महज एक दिखावे भर का है, क्योंकि लगातार जो डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं वो हिंसा फैला रहे हैं, पंचकुला से लेकर सिरसा तक, कई जगहों पर, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में और अलग अलग राज्यों में भी जहां उनके समर्थक मौजूद हैं, वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। 6 ऐसे इलाके थे एनसीआर के जहां पर धारा 144 लागू करनी पड़ी। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बड़ी तादाद में पुलिस और सेना के जवानों को उतारा गया है, वीडियोग्राफी हो रही है। कल जिस तरह से हिंसा भड़काई गई थी, हिंसा फैली थी, उसके बाद जो भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस लाचार रही, सेना के जवान लाचार से नजर आए, इसके बाद आज बड़ी तैयारी के साथ सेना के जवान और पुलिस पहुंची है डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय। अभी भी 1,00,000 समर्थक वहां मौजूद हैं, जो बार बार बीच बीच में रह रहकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। और कल जो आगजनी हुई थी सड़कों पर, उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। जो पत्थर फेंके गए थे पुलिस पर, सेना के जवानों पर, वो अभी भी मौजूद है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वाटर कैनन तैनात है, आंसू गैस के गोले कल छोड़े गए, लेकिन फिर भी भीड़ काबू में नहीं आ सके। और ये देखिए तस्वीरें, पूरी तैयारी के साथ आज सेना के जवानों को उतारा गया है। 1,00,000 समर्थक अभी भी अंदर मौजूद हैं, मतलब कि रोकने की कोशिश, तमाम कोशिशें की जा रही है सेना और पुलिस की ओर से। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर में डेरा आश्रम सील कर दिया गया है, 36 आश्रमों को खाली करा लिया गया है। और फिलहाल जो सिरसा में डेरा मुख्यालय है, वहां पर सेना के जवान पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और देखिए, एक आदमी
उस इलाके का आपको सड़क पर नहीं दिखेगा। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, सेना के अधिकारी पहुंच गए हैं इस इलाके में और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। सीएम खट्टर पर भी कई तरह से सवाल उठ रहे थे और जिस तरह से जेल में वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है राम रहीम को, उस पर भी सीएम पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी कमियां सामने आई जिसके बाद दिल्ली तलब किया गया। सेना की गाड़ियां तस्वीरों में देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ सेना की बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगाई गई हैं जिस पर सेना के जवान लाए गए हैं इस इलाके में, और दूसरी तरफ सेना के जवानों के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी उतार दिए गए हैं, जो फिलहाल 1,00,000 लोगों की भीड़, समर्थकों की भीड़ जो इस वक्त मौजूद है डेरा मुख्यालय में, उसे उस पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश करेगी और उन्हें खाली वहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, मुख्यालय को खाली कराने की कोशिश की जाएगी। इन दो तस्वीरों में जो हालात है इस वक्त सिरसा के, वो बताने के लिए काफी है ये दो तस्वीरें। सेना के जवान उतार दिए गए हैं, पुलिस उतार दी गई है, पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिरसा में पिछले 3 दिनों से हालात इसी तरह से खराब हैं और वहां के लोगों ने, वहां के जो राम रहीम के समर्थक थे, जो जिस तरह से उपद्रव उन्होंने मचाया, उसके बाद हालात और बेकाबू हो चले। 31 लोगों की मौत सिरसा से पंचकुला तक जो हिंसा हुई थी, मीडिया पर भी हमला किया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले जब पुलिस छोड़ रही थी तो वो भी एक तरीके से नाकाफी साबित हो रही थी उस भीड़ को नियंत्रित करने में। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया लेकिन वो भी कम पड़ गए। जो भीड़ थी, करीब 1,00,000 समर्थक अभी भी अंदर मौजूद हैं। फिलहाल 36 आश्रम अलग अलग जगहों के खाली करा लिए गए हैं लेकिन मुख्यालय में 1,00,000 समर्थक अभी भी मौजूद हैं जो तैयारी में है सेना पर, पुलिस पर हमला कर सकते हैं कभी भी, और उनको रोकने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए फिलहाल सेना के जवानों को उतारा गया है। पुलिस के अधिकारी इस इलाके में गश्त कर रहे हैं, वो मौजूद हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं सरकार को। हालांकि खट्टर सरकार की पूरी आलोचना हो रही है, एक समानांतर सरकार चलाने का आरोप लग रहा है। राम रहीम के समर्थकों ने जिस तरह से पुलिस को चुनौती दी, सिस्टम को चुनौती दी, एक समानांतर सरकार चलाने की बात सामने आ रही है और वाकई सरकार बेहद लाचार दिखी। उसके बाद भी जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर पर, और इसलिए उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि आलाकमान उनसे नाराज है, कि ये मोदी नाराज है, इसलिए उन्हें दिल्ली तलब किया गया। और जो मजबूरियां उनकी कल दिखी, वो बार बार अपील करते रहे लेकिन एक लाचार सीएम की तरह अपील करते रहे और डेरा के समर्थक सड़क पर हिंसा फैलाते रहे, आगजनी करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस वाले तकरीबन 200 लोग घायल हुए, कई पुलिस वाले इसमें शामिल हैं जिन्हें फिलहाल गंभीर चोटें आई हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया गया था, मीडिया जो वहां कवरेज करने पहुंची थी उस पर हमला किया गया, कई लोगों को चोटें आई, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट बंद, टेलीफोन की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, तमाम चीजें बंद होने के बावजूद ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल डेरा मुख्यालय की ये तस्वीरें और चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को, पुलिस के जवानों को उतारा गया है ताकि जो 1,00,000 लोग, 1,00,000 समर्थक इस वक्त अंदर मौजूद हैं, मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं, वो कोई हमला ना करे, वो जिस तरह से कल सड़कों पर आगजनी कर रहे थे वो ना कर सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है सेना और पुलिस के जवानों की ओर से। अब इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन जब सड़कों पर आपकी नजर आज भी जाएगी तो कल की हिंसा की तस्वीरें, उसके घाव, उसके जख्म अभी भी आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी तादाद है, लगातार पुलिस के जवानों की और सेना के जवानों की तादाद बढ़ाई जा रही है, उनकी कंपनियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो भीड़ है वो इन पर भारी पड़ती नजर आई, कल तक भीड़ भारी पड़ती हुई नजर आई। आज हालांकि पंचकुला में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे लेकिन सिरसा की तस्वीरें जहां अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है, एक धर्मगुरु जो कि बलात्कारी है उस पर बलात्कार का आरोप लगा और वो साबित हो गया, कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाने वाला है कोर्ट, लेकिन इसके बावजूद जो समर्थक है उनकी अंधभक्ति देखिए, वो मानने को तैयार नहीं है। लगातार एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी दो महिलाओं ने और वो लड़ाई जीतने के कगार पर पहुंच गई, लेकिन तमाम लोग, लाखों लोग इस वक्त उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे।
बल्कि वो इसका विरोध कर रहे हैं, सजा का विरोध कर रहे हैं। और यहां तक कि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने जिस तरह से कल एक बयान दिया और उन्होंने राम रहीम का समर्थन किया, उस पर भी सवाल उठे। एक बार फिर हम आपको बता दें, ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डेरा मुख्यालय सिरसा की ये लाइव तस्वीरें, जहां 1 लाख समर्थक अभी भी मौजूद हैं। राम रहीम के डेरे में सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, सेना इस वक्त घुस चुकी है, और वहां पर जो 1 लाख समर्थक मौजूद हैं, वो कोई और उपद्रव ना मचाए, वो कोई और हिंसा ना फैलाए, वो कोई और तोड़फोड़ या आगजनी ना कर पाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है सेना और पुलिस के जवानों की ओर से।